फॉरेन में रहने पर तुमने उसको इंग्लिश मैन समझ के रखा है क्या? वो पक्का हिंदी मैन है साहब। पहले तुम हीरो को देखोगे या हीरोइन को? लेडीज फर्स्ट। क्या उसे देखकर तुम पुरानी हीरोइनों को याद कर रहे हो? जरा देखो, नाम महालक्ष्मी। गुस्सा तो ये अपने नाक पर रखती है। देखो महालक्ष्मी का तेवर। खाना खाने के बाद बिल नहीं चुकाता तेरी जो। ये जनाब तो बॉक्सिंग रिंग के मास्टर जैसी एक्टिंग कर रहा है। इनका नाम स्टॉप इट। मेरे बारे में आपको क्या बताऊं साहब? राइस बाजार में एक छोटा मोटा होटल चलाते हुए मैं ऑस्ट्रेलिया में इंडियन मिर्ची के नाम से एक इंडियन रेस्टोरेंट चलाता हूँ। वेलकम टू इंडियन मिर्ची, दैट इज कचौरी। ये सब क्या हो रहा है? What the hell? ये मेरे भाई की बेटी है। मेरे भाई को मरने के बाद मैं इसको इंडिया से ऑस्ट्रेलिया लेको आया। इंडिया से मैं इसको सहारा देने के वास्ते लेको आया था। हाँ जी, मेरा सहारा बन गई। तुमने अपना बिल भरा क्या भाई? भूल गया साहब। तूने अभी देखा ना बेटी महालक्ष्मी? बाप रे, भर रहा हूँ। सर फिगर बहुत अच्छा है सर। कोशिश करो क्या? मार खाना है क्या? हाय क्या जी? हाँ आज तारीख क्या है? काई पूजा नहीं मानी। टेबल नंबर 5 वाले मुझसे पूछ रहे हैं आज तारीख क्या है, अब बताओ। अरे मेरी बुलबुल, हमारे रेस्टोरेंट में कस्टमर का डेट क्या है पूछना है, नहीं बताए क्या? आप कहो तो मैं जाऊ। जाओ, लेकिन वापस तो आओगी ना? ओ? तुम कहीं नहीं जाओगी। हे मैन, सेंड मी हर, आई विल गिव यू मनी। बेटी महालक्ष्मी क्या है? टेबल नंबर 5। ओके चाचा। हे जो भी गलत करता है उसे महालक्ष्मी हैंडल करती है। यह पुलिस है यहाँ की। देश के दुश्मनों, मैं कफन बांध कर आया हूँ। धर्म के खातिर, देश के खातिर, जनता के खातिर, इज्जत के खातिर, माँ बहनों की इज्जत के साथ खेलने वाले तुम जैसे देशद्रोही को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। ये है हमारा हीरो। जनाब अभी सो रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारी कहानी का एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। नाम कृष्ण राव, पेट नेम किट्टू, एज 55, शादीशुदा है। इनके अंदर एक क्वालिटी है, इन्हें चेला बनकर रहना बहुत पसंद है। मिस्टर कृष्णा, तुमने इस कृष्णा पर हमेशा कृपा बनाए रखा है। बना के चेला मैं हमेशा अंडी बर्तन घिस के जीवन बिता दिया, ऐसा कब तक चलेगा? मेहनत करके पसीने वाला बदबू के साथ साथ अगर बत्ती जला के इसकी खुशबू के साथ तेरी आरती कर रहा हूँ। इज्जत से कह देता हूँ, मेरे भतीजे के लिए अच्छी सी लड़की भेज दे। चंदू, रात भर एक्शन फिल्म देखते रहेंगे, दिन भर सोते रहेंगे। बेटा चंदू, जूस ले, सुबह हो गया बेटा। बैठ जाओ क्या? बैठ गया। हाँ मैं यहाँ। हाँ मुझसे यानी बदबू आ रही है, बाहर निकल जाऊं? बूटे मेरे करम। चांदो चांदो चांदो, ये है क्रीम। ऑस्ट्रेलिया में रहकर भी इंडियन गेटअप में घूमते रहते हैं। ओह शिट, 4:10 o'clock, आइटम पटाने को जाने का अब तक क्या कर रहा है? क्यों बे? चंदू अभी तक उठा नहीं क्या? ऐसे देसी औकात में आवे माय सन? क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? बेटा जब मेरे उम्र में आ जाएगा ना तो इंग्लिश बकना, चल अभी। यार चंदू, चंदू तो कुंकरण की नींद सो रहा है, मैं भी आता हूँ। ओलंपिक ग्राउंड में बॉबी से मैंने गाड़ी खरीदा है। बॉबी से तुम मुकाबला करेगा? नहीं, उसका बैंड बजाने का मेरा दिल है। चंदू अब बहुत हो गया रे, हिट का जवाब हमें पत्थर से देना है। दुश्मन की नली को तोड़ दे यार। आइडेंटिटी। अरे थोड़ा ऐसा चलना यार, मेरा तो सांस ही फूल रहा है। चंदू नाम चंदू, मिडिल क्लास फैमिली से हैं। मेहनत करके कराटे, जूडो, मार्शल आर्ट सीख लिया। बचपन से पढ़ाई का शौक तो था ही, साथ में खुद को स्पोर्ट्समैन भी बनाना चाहता था। अब ये एक दुश्मन से आज भिड़ने की तैयारी में है, देखते हैं क्या होता है। चंदू आज के जैसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा, आज किसी को नहीं छोड़ना है, चाहे खून की नदियां क्यों ना बह जाए।
क्या हो गया यार? हाँ भैया यार, मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। अरे बाबी तेरी तो आज तेरा अकड़ कहाँ गया? उसको छोड़ो, लफड़ा करो यार, आज हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। हाँ हाँ, लड़ो तुम लोग। तू लड़ क्यों नहीं रहा है? कॉम्प्रोमाइज हो गया रे। कॉम्प्रोमाइज किया तुमने? क्या करता यार, जब मैं इनके साथ खेलने के लिए आया, खेलने के लिए तो मुझे इस ग्रुप में देखकर ये खुद शांत हो गया। तेरी वो सब बातें, मारपीट वाली बात पुरानी हो गई। ये लो कर लो बात। जैसे कलर ब्लैक है वैसे एक नंबर का बिल्ला है। हे भगवान, मेरे फाइट करने के चांस का क्या होगा? इसको इलेक्शन में खड़ा करने से पहले इसने मुझे क्या कहा था लॉयर, कुछ याद है? गीता पर हाथ रखकर। ये गीता कौन है लॉयर? भगवत गीता सर। ओहो, मैं मर जाऊंगा लेकिन केस हार कर नहीं आऊंगा। अब तो वो हार गया ना, पूछो उसे। क्या रे, मर जाएगा? अब तो इस इलेक्शन में जीतना या हारना ये सब तो एक मामूली बात है ना। इतने ही के लिए मर जाऊं, सच कहूं तो तू हार गया तो मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। नहीं हुआ। रो मत, हंसना। नहीं तो उस शिवा के आदमियों के हाथों मारे जाते, तब मुझे बहुत दुख होता रे, बहुत दुख होता। साथ कौन? हाँ मेरा। हेलो, तू किधर है? हाँ, आप अभी तक जिंदा है? क्या फोन दे भाई को? सर आपके भाई का फोन। शिवा मरा क्या? नहीं, लेकिन उसकी मौत पक्की है। तुम पहले अपने गांव आ जाओ। नहीं नहीं, वो शिवा जब तक मरेगा नहीं, मुझे सुकून नहीं है, नहीं है। शिवा, तेरी मौत मेरे हाथ से ही लिखी है। ए चंदो, क्या लेगा तू? ब्रांडी, विस्की, वाइन या वोडका या बियर या फिर सब मिला के एक कॉकटेल? मामा, तुम्हारे जैसा हर घर में एक होना चाहिए। हमारे यहाँ पूछते हैं चाय पियोगे, कॉफी पियोगे, बस यही पूछते हैं। लेकिन दारू पियोगे ऐसा कोई नहीं पूछता। मामा मुझे ले लो, गोद ले लो मामा। रिस्क मैं नहीं उठा सकता मामू। हर रोज किसी को मारे बिना, दारू पिए बिना बोरिंग लगता है। लाइफ में कुछ मिस हो रहा है ऐसा लगता है। तुझे क्या चाहिए समझ गया बेटा? क्या समझ में? अच्छी सी लड़की हो मामा। हर माँ बाप को तुमसे आदर्श लेना चाहिए। अरे 26 साल के लड़के को क्या चाहिए तुमको बराबर पता है मामा। ऐसे ही दारू में एक ही विस्की, एक वोडका, एक जिन, ऐसा कितने तरीके बताए गए हैं। उसी तरह लड़कियों में एक चाइनीज, एक जापानीज, एक इथोपिया, ऐसा ही ना। मैं अपने भतीजे के बारे में कह रहा हूँ। डस्ट माय सन। बोले तो चुप रहेगा? हाँ समझ गया, तू भी गाली देगा। सुनो चंदू, ये लैपटॉप में अलग अलग लड़कियों की तस्वीरें देख कर पसंद करो। रहने दो ना, अभी शादी की क्या जल्दी है। 25 years back, same dialogue, same expression. इसलिए मुझे आज तक लड़की नहीं मिली। अगर मुझे लड़की मिली होती तो मेरे भी आज बच्चे होते। तुम कितना भी बोलो, मैं शादी के लिए राजी नहीं हूँ। जब मैं तेरा घर बसा दूंगा तभी मेरी जिम्मेदारी पूरी होगी बेटा। अरे कम से कम बुढ़ापे पे तो तरस खाओ। कहीं ना कहीं लोली लंगड़ी या घर से भागी हुई भगोड़ी हो, कहीं ना कहीं तो इन्हें मिल ही जाएगी, शायद इस उम्र में भी इन्हें। ये देख, यही वो लड़की है। इस लड़की का नाम है सुशीला। सुशीला भी बहुत अच्छा गाना गाती है। मामा गाना किस लिए? चुप रहना बेटा, अपने होने वाले दूल्हे को गाना सुनाओ ना बेटी। आपकी हॉबीज क्या हैं? मेरा लिपस्टिक मेरे ड्रेस से मैच है क्या? आप जॉब करती हैं क्या? इयररिंग मेरी हेयर स्टाइल पर मैच होती है क्या? ये लड़की मुझसे मैच होगी? मैच तो हो रही है, बड़े खानदान की है। हाय गाइस, सॉरी थोड़ी लेट हो गई। नाउ आई इंट्रोड्यूस माय फैमिली। ये भी एक लड़की, रॉबर्ट, एंड्रू, इमरान। आपके बच्चे हैं? नॉटी, मेरे हस्बैंड। हाय गाइस, इसमें लड़की का बाप कौन है? We don't know. मैं आपको पसंद आई क्या? Rejected. Yes. इस बार कैसी लड़की होगी? Hi. I'm Kittu, Mr. Chandu, Chandu's friend. Don't waste my time.
Who is the person? He is the person. Only one person? Yes, only one person. Mr. Chandu, my nephew. Two person is also okay. Two persons okay. Chup karna, babe. Behave yourself. What you say? What two person? Three person also okay. I give 50% discount to you. Mama, mama, okay karo, mama. 50% pe discount dariya, mama. Ye kya kar rahi hai, chote? Samajh mein nahi aata. ये कैट नहीं है अंधे वाली है रिजेक्टेड थक गए क्या हो गया काम हाँ मैं नहीं मानता तुम छोटे बच्चों को छोड़कर खुद के अकेले खाकर आ गए हमें भी सेट करो मेरा खाना खराब हो गया गंदी है मेरे सन हमें समझ में आ गया तुम अकेले केक खा के आए हो मामू तुमने बहुत मेहनत कर ली है अब मेरे पसंद की लड़की ढूंढना तुम्हारे बस की बात नहीं है चलो जाने दो छोटे तुझे कोई लड़की पसंद है तो बता ना हाय अल्लाह 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 मेरी आंखों में एक लड़की हाँ वैसी लड़की से तुम मुझे मिला अल्लाह 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 है कहाँ वो मेरे लैला कब आएगी इतना तू मुझे बता आए सपनों में आके छुप जाए दिखा के झलक फिर गुम हो जाए बाहों में लूं कब वो दिन आए मिले जब हम दुनिया में तब गुल खिल जाए से है आती जाती जानू ना कहाँ वो रहती प्यार है मुझसे करती पर मुझे वो है तड़पाती दीवाना बना के छोड़ा इस राह में लाके मोड़ा इस दुनिया से नाता तोड़ा नारा लंबी रेस का घोड़ा लिपस्टिक लगाती है परफ्यूम लगाती है सिंपल रहती है क्या उसके नैन चुराए चैन होंठ करे बेचैन महंगे हैं दिन रात देती है मीठा पेन जिसमें लगती हॉलीवुड मॉडल शॉर्ट्रेस में लगती भोजपुरी मॉडल चोली में लगती रैप चिक मॉडल अब चाहे जो हो जाए उसका जो पता मिल जाए शादी उससे हो जाए कुछ जादू कर दे मामा पसंद कर कोई रानी अरे का वरना पानी कहानी सेम टू सेम मेरे जैसा प्रेम टू प्रेम ब्यूटी माउंटेन वो फिगर हंटिंग वो उसका डैड कोई भी हो ससुर बनेगा वो सारी दुनिया में ना देखी वैसी सुंदर से सुंदर वो बड़ी जैसी रहती दिल में बेताबी कैसी मिली ना वो कर दुनिया की ऐसी तैसी नेट पे सर्च करेंगे मैं ढूंढेंगे मेरी प्यारी गुलाबो मरते दम तक ढूंढेंगे हम दिन का लैंप लेंगे उसे हम हेल्प लेंगे बनाएगा राजकुमारी क्या पता फिर पछताएंगे गुड मॉर्निंग आई वांट टू सेंड दिस फोटोग्राफ विच एड्रेस हर महीने भेजवाता हूँ Same address.
same address. Yeah. आज जो लड़की सबसे पहले मेरे सामने आएगी अच्छा, और जो लड़की मुझे पसंद आएगी उसी लड़की से मैं तेरी शादी करूंगा और ये फूल मैं उसे नजराने के रूप में दूंगा। स्टॉप इट मामा, ये फूल नीचे गिरना लड़की नहीं पसंद आना ये सब बकवास है। मेरा पर्सनल फीलिंग कहता है परसों जो केस हमने देखा था वो अपने लिए ठीक है, हम तीनों मिलकर वही संसार बनाते हैं। बिहेव योरसेल्फ। अबे दलिंदर करके सब कुछ समझ गया भेड़िया। मामा तुम्हारी चाहत पूरी होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता लेकिन मेरी तो हो रही है। क्या? आई डोंट वॉन्ट टू मिस दिस चांस। Please. क्या हो गया छोटी? मामू, I am in love. Yahoo! Yeah. अरे बोल रहे हैं ये ब्रेटली का पंपिंग क्या उसने? अबे मेरे भतीजे को लड़की पसंद आई तो मेरी खुशी का अंदाजा नहीं तुझे रे। लेकिन है किधर? उस कार के पीछे देखो। Excuse me. Yes. मैं चंदू आपको फोन किया था। ओह आइए। मेरा केक रेडी हो गया? हाँ हाँ बेटी महालक्ष्मी bring the cake. Beautiful. करने में आपको पैसा लगा मैडम? केक 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 केक। इसके ऊपर क्या लिखा है? केक एक नंबर की है। अपने मन पसंद लड़की को मजा आएगा ढूंढ रहा हूँ लेकिन अब तो वो मिली ही नहीं इसलिए यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ बट फाइनली आई गॉट हर। आई एम इन स्टार्टिंग स्टेज ऑफ लव। मतलब पहले प्यार का नशा है क्या? आई नो व्हाट टू राइट। ओके प्यार का पहला नशा। Let your love bird blossom like a flower? इसका मतलब तुमने कुछ कम तारीफ की है। हेलो, कली जैसा आपका प्यार फूल जैसा खिलता जाए। ओह, क्या वादा करते जी? प्यार खिलेगा? ओह, let's cut the cake, man. Where is the knife? लाता हूँ, लाता हूँ। क्या वादा करते हैं? What, man? मेरा प्यार बढ़े ऐसी तुम लोगों की इच्छा नहीं है क्या? क्यों नहीं जी, करो ना। ओके। Happy love day to you. आपका लव कौन है बताएंगे मेरे को? अपनी महालक्ष्मी। यस महालक्ष्मी, कल एक आदमी की जॉब स्ट्रीट पर तुम जिस तरह से धुलाई कर रही थी तो मैंने देखा उसका नाक, उसके कान, उसकी आंखें, उसके होंठ, ये मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे लेकिन उसके चेहरे पर जो गुस्सा था ना गुस्सा, वाह, मेरा तो कलेजा हिल गया। So what are you getting at? Hey, come on, I'm not in love with you. But एक बार और तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा देख लूं, तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। I love Japet sir. Enough. अब एक सेकंड भी यहाँ रुका ना, तो समझ लो। यही तो गुस्सा है। मैं तुमको पसंद आ गया हूँ ना? साफ लड़की जाल में फंसने वाली है। केक का ऑर्डर करो, फुल सेलिब्रेशन करेंगे। लव शिप केक। क्या समझते हैं अपने आप को? क्या समझते हैं? भाभी, 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 अरे मेरे भाभी को कहाँ लेके जा रहे हो? मेरे भाभी को देखो बेटी, तुम्हारा गुस्सा उसको अच्छा लगा ना, वो तुमसे प्यार करने लगा बेटी, तुम्हारा गुस्सा भी उसको अच्छा लगा ना। अबे तुम कभी गुस्सा नहीं करना बेटी। हमारी बेटी को गुस्सा नहीं आता साहब, कभी नहीं आता साहब। ऐसा है क्या महालक्ष्मी? यस, मैं गुस्सा नहीं करूंगी। सही में? ये एक्सप्रेशन इसके चेहरे पे मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। मैं चलता हूँ। बाय अंकल, बाय आंटी। अभी तुम्हारे साथ दोबारा कभी ऐसा नहीं करेगा। तूने मेरे आंख पर प्लान कैसा है? मैं बहुत दुखी हूँ यार। तो मुझे बुलाने का ना? बुलाया तो था, इतनी जोर से चिल्लाया था चंदू, फिर भी तू नहीं आया। चंदू! अरे बाप रे, तो गरम मिर्ची लग रही है। चल फुट यहाँ से। जरा नजदीक तो आने दे, अच्छे से टेस्ट करते हैं इसको। ये क्या है? अरे इधर देख यार, क्या सुपर प्रिंट आई है। मैंने स्पेशल अच्छा
अरे इसी पेपर पर इसी जगह पर कल एक इंडियन लड़के की फोटो आएगी जो फिर कभी नहीं लौटेगा, समझे? थैंक्स, मुझे छोड़ दिया। ए दूसरा इंडियन लड़का। ए चुप रे, तू बता बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है, चल बता। मुझे आपसे वो हो गया है। अरे यार, ये तो इमोशनल होकर अपने ऊपर गुस्सा उतार रही है। चुप शिवा, चुप। ये कौन है? 5 साल तक कराटे सिखाने वाला मेरा गुरु। मर गया होगा ना वो? कैसा है मैं बताती हूँ। चुप चुप, महालक्ष्मी मार उसको। अच्छा हूँ, दर्द है। यस, और मार। बता ये लॉक कैसा है और कितनी देर मजा आएगा? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। देखा ना तेरे दोस्त का क्या हश हुआ। इतना बढ़िया कराटे लड़ रहे हैं, एकदम मजा आ रहा है। देखो फीलिंग फील कर रहे हैं। अगर मुझे भी कराटे आता तो हम भी ऐसे लड़ते ना। अब बता कैसा लग रहा है तुझे? मुझे तो तुम्हारे सिवा कुछ नहीं दिख रहा है। यह कराटे है, यह काम सूत्रा है, ये काम था ना, चल और ले। और नहीं चाहिए, मुझसे पंगा मत लेना, मार डालूंगी। महालक्ष्मी मेरी प्यारी माँ, तुझसे कहाँ मुझको है भा गई तू, इस दिल पे छा गई तू, कैसी हलचल करके गीत प्यार का गाए तू। हाय मुझको है भा गई तू, इस दिल पे छा गई तू, कैसी हलचल करके गीत प्यार का गाए तू। देती क्या छटका दे, राहों में फटका दे, मर जाऊंगा मैं सुन ऐसे न लटका। मेरी सांसों में मुझे रोज सताए ख्वाबों में, बस मैं ही बचा कमालों में, कुछ सोच सदा हर मेरे बारे में। खुद को तो मैं भी कम तो नहीं, धूप में निकला न करो मानो कहना मेरी दानी। समझे कर तू जो हंसी खुद को तो मैं भी कम तो नहीं, धूप में निकला न करो मानो कहना मेरी दानी। महा महा मेरी महा मेरी प्यारी महा, ए कहा कहा ए कहा, लव यू तुझसे कहा। Body, why did you just stay away? No, 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 no way. Maha doesn't care about you anyway. Oh, she cares. Hey, 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 body, why did you just stay away? No, no. Maha doesn't care about you anyway. Yeah. She's like fire, oh. Burning your desire. Yeah. Run away, keep away, you're a big liar. Palkha ke patli kamar, tirchi nazar se dekhe. Deewana kar de mujhe, rag rag mein shola bhar de. बलखा के पतली कमर तिरछी नजर से देखे, दीवाना कर दे मुझे, रग रग में शोला भर दे। तेरे प्यार में ना बन जाऊं, मजनू से भी बड़ा बंदा,
दर दर भटकूं मेरी लैला, मांगू तुझसे प्यार का चंदा, तेरे प्यार में ना बन जाऊं मजनू से भी बड़ा बंदा, दर दर भटकूं मेरी लैला, मांगू तुझसे प्यार का चंदा। पितरं तर्पयामि, पितामहं तर्पयामि, प्रपितामहं तर्पयामि। आपका पूजा पूरा हो गया, अब हम चले क्या? नमस्ते। ये क्या, श्राद्ध का खाना कौओं को देना है, आप क्यों ले रहे हो? जो मर गए हैं उनके लिए पिंड निकाला जाता है, लेकिन जो जिंदा है उनके लिए। क्या? चंदू के पिता जिंदा है मगर ये बात चंदू को पता नहीं। जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं उनका ही श्राद्ध किया जाता है, मगर जो जिंदा है उनका श्राद्ध नहीं होता। मारने वाला भी वही भगवान है, जिंदा रखने वाला भी वही है। कौन है वो? रॉयल सीमा के शिवाजी का नाम कभी सुना है? यानी कि चंदू? ए, उन्हीं का बेटा है चंदू। फिर ये यहाँ? शेर को कभी अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता, जब वो तैश में आता है तो उसका पंजा ही बहुत भारी होता है। अब सिवैया जी कहाँ है? गाँव के पुराने मंदिर का धर्म अधिकारी बनकर। बंदोबस्त सब ओके है सर, एवरीथिंग इज ओके। ए, बी अलर्ट। क्या यहाँ पर कोई मिनिस्टर आने वाला है? नहीं, इस मंदिर के उस तरफ एक पहाड़ है और इस तरफ भी एक पहाड़ है। वो गांव वाले यहाँ नहीं आएंगे और ये गांव वाले वहाँ नहीं जाएंगे। हर साल शिवैया जी अपनी स्वर्गवासी पत्नी का श्राद्ध यहीं करते हैं। उनका साला इस गांव का मुखिया है, वो दोनों आमने सामने आए तो उनका झगड़ा ना हो इसलिए हमें तैनात किया। सर, आपको तो 2 बजे आना था सर। अभी आ गया तो क्या हुआ? अंदर शिवाजी हैं, आप जाएंगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। और नहीं गया तो तेरी जान जाएगी। ए, कहाँ है शिवा? ए शिवा! शिवा, बड़ा हाथ हिलाकर चल रहा है, हैं? डर गया क्या? मुझे देखकर तुम दबाकर भाग रहा है? शिवा, साड़ी पहनकर, चूड़ियां पहनकर, मेकअप लगाकर घर में बैठ जा। डरने वालों को जीने का कोई हक नहीं होता, समझा? नमा शिवा। शेर को छेड़ने में जोखिम है, आप तो उसे मारकर छेड़ रहे हैं। चुप कर। लाश छोड़ दी क्या? अपनी दुश्मनी भूल गया क्यों? क्या रे, सांप सुन गया? बोल ना, भाग रहा है डर के एक बुजदिल की तरह? मेरी भाई है, रख रही है सर। ए शिवा, आकर मेरे पैर पकड़ ले, तुझे माफ कर दूंगा, पशुपति ने तुझे छोड़ दिया, ये बोलकर हंस ले गांव में। अपनी गाड़ी से तुम्हें घर पहुंचा दूं? मुझे नहीं चाहिए तेरी गाड़ी, मेरे पास 4 गाड़ियां हैं। किसी भी मर्द को सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, मैं मर्द हूँ, समझ गया? मैं क्या कह रहा हूँ समझा? आग में मौत कब दिखती है तुझे पता है? जब मारने वाला उसके सामने खड़ा हो, तेरा भाई चाहे जहाँ पर छिपा हो, मैं उसे ढूंढ करके उसे खत्म कर दूंगा और उसी मारी हुई तलवार से
तेरे भी टुकड़े टुकड़े करके तुझे खत्म कर दूंगा, समझा? कब से टेस्टी टेस्टी बोलकर तीन बोतल पी ली आपने? मैं ड्रिंक नहीं कर रहा, खाली टेस्ट कर रहा हूँ। मैरिज मैरिज फिक्स हो गई। किसका? अपनी महालक्ष्मी की। मेरा मतलब है अपनी महालक्ष्मी के दोस्त की मैरिज फिक्स हो गई है। अब हमें खाना पीना छोड़कर उस शादी में कुछ करना पड़ेगा। वाव कितना सुंदर है ना ये। हाय महालक्ष्मी। चंदू बेटे, तुमने हमें बताया नहीं कि अपने फ्रेंड कैटरीन की शादी है? ठीक है, तुम लोग सब शादी में बिजी तो हो ना, तुम चिंता मत करो, मैं शादी में पहुंच जाऊंगा। आ जाओ ना। जरूर आना, ऐसे हाथ पर तोड़ दूंगी ना कि चल भी नहीं पाओगे। क्या हुआ? बुलाया तो है मगर कह रही है आया तो धक्के मार के बाहर कर देगी। चंदू शांत हो जा। देख यार मत जा यार। अरे लड़की की तरफ से जाएंगे तो प्रॉब्लम है ना, लड़के की तरफ से क्या प्रॉब्लम है? हाँ ए कृष्णा, ठीक है जरा पता तो लगाते हैं कि दूल्हा कौन है। मरीज का क्या? मैंने इस तरह का केस कभी नहीं देखा डॉक्टर। इसे क्या हो गया डॉक्टर? अरे तुम चुप रहो, अभी तक डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आ रही। एपेंडिक्स का मतलब क्या है? वो तुम नहीं समझोगे डॉक्टर शेरी। इसका बीपी देखो। बीपी को क्या हुआ? बीपी देखो क्या है? बीपी वो हम समझते हैं। ओह सो लॉन्ग, यहाँ का तो हो गया। हरी अप सर पे नहीं हाथ पे, हाथ में डॉक्टर साहब। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ओह शिट, क्या हो गया? बीपी जीरो। बीपी जीरो? क्या पेशेंट हम लोग तो नहीं चला गया? ये डॉक्टर कोमा में गया वो आदमी बोलता है क्या? वाओ इट्स मिरेकल, साइंस की दुनिया में आज तक ऐसा केस मैंने कभी नहीं देखा। डॉक्टर साहब सेम डॉक्टर, इसका बीपी डाउन हुआ तो आप टेंशन में आ गए। ये महाशय है कौन? एडमिट आपने ही करवाया? एक्सीडेंट भी इसी ने किया। तुम अभी यहाँ पर हो, बाद में जेल में होगे। जेल में? डॉक्टर कुछ करो ना डॉक्टर, मेरी गाड़ी रोड पर चल रही थी ये उसके नीचे आकर सो गया डॉक्टर। नो 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 नो, मिनिमम 10 इयर्स के लिए। व्हाट आर यू टॉकिंग डॉक्टर, मरीज की हालत तो देखो, अगर मर गया तो इसे फांसी भी हो सकती है। क्या डॉक्टर इसे बचा लो डॉक्टर? जी मिस्टर सैफ अली खान, अगर लिख कर देता है कि एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं है तो तुम बच सकते हो। डॉक्टर शेखर बिहेव लाइक अ डॉक्टर, कोमा में आदमी दस्तखत कैसे कर सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? डॉक्टर ये तो हिल रहा है डॉक्टर। वाओ इट्स अ मिरेकल, कोमा में गया हुआ आदमी का हिल रहा है, मैंने कभी नहीं देखा। डॉक्टर ये साइन कर सकता है? नहीं डॉक्टर, अगर साइन करेगा तो जान जा सकती है। वाओ इट्स अ मिरेकल, वो नहीं कर सकता है। वाओ ये तो साइन मत करो, मुझे तुमसे बात करनी है। डॉक्टर पल्स रेट गिर गया, लगता है पेशेंट मर जाएगा डॉक्टर। अरे डॉक्टर मत करो, मत करो, मत करो। अरे क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनो, क्या कर रहे हो? अरे साइन करो। अरे क्या कर रहे हो आप? नहीं आ
ये अब तो नहीं बचेगा, ये मैं साइन लेता है, पेशेंट मर गया, अब उंगली से इसकी जान जाएगी लग रहा है। दुनिया से तो हो गया, ये भगवान, ये भगवान, इसने पेशेंट को मार डाला, पेशेंट बच सकता था, लेकिन जबरदस्ती साइन लेने की वजह से दुनिया छूट गई। Because of you, because of you, he died. Because of you, because of you. अरे हम क्या करें? Ekdam straight. What a legend! Sir, ये तो बच गया सर। Wow! It's a miracle. Medical के इतिहास में आज से पहले मैंने ऐसी घटना कभी नहीं देखी। मैंने ठीक कहा ना सर? दोस्त तुम्हें क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए? कैश चाहिए? तो फिर बंगला चाहिए बोलो। देखो तुम शर्माओ मत, तुम्हें क्या चाहिए बोलो, तुम्हें जो भी चाहिए मैं दूंगा। तुम्हें संसार देखना है दोस्त। तुम्हारी शादी देखनी है दोस्त। ऐसा क्या? सन सैफ, क्या हुआ? फादर फिरोज खान, उनके इस फंक्शन में आए बिना ये शादी नहीं हो सकती। मैं इधर हूँ ना बेटा। प्लीज, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, ही इज ग्रेट पर्सन। ओ, मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरी करीना से भी कहीं बढ़कर है। वो मेरे दिल का टुकड़ा है। दिल का टुकड़ा इधर खड़ा है, लेकिन उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम याद नहीं, पर आप उसे देखेंगे तो देखते रह जाओगे। मैं उसे बुलाता हूँ, अभी बुलाता हूँ। माई फ्रेंड, कम ऑन। मुझे देखा तो ये जाना सनम, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तुम मगर तेरा साथ। माय फ्रेंड, ए व्हाट हैपेंड? तुम्हारी शादी में रुकावट ना आए इसलिए आते आते मैं खून से मंदिर में आपके नाम पर अभिषेक करवा कर आ रहा हूँ। एक जैसा दिल है, गुड दिल है। अब ये मेरा दोस्त है, जाने जिगर। इधर, ये इधर। नमस्ते। नीचे। जीते रहो। ये मेरी माँ। जीते रहो। ये मेरी दादी। जीते रहो। ये मेरी सास। नमस्ते। ये मेरे ससुर। बच्ची, मैं नहीं हटूंगा, मैं नहीं हटूंगा, नहीं नहीं मैं नहीं हटूंगा। शी माय वुड बी करीना। नमस्ते। नो प्रॉब्लम। वो लड़की कौन है? ये मैडम कौन है, तुम नहीं जानते क्या? मुझे तो जानते होंगे तुम। और इनको? आपकी बेटी है। इस शादी में मैं सिर्फ एक ही व्यक्ति को पहचानता हूँ, वन एंड ओनली माय फ्रेंड मिस्टर सैफ। सैफ, सन सैफ, दो मिनट टाइम हो तो लड़की को अंगूठी पहना कर जाओ। नो, आई फॉरगेट फादर, कैन आई? क्या आंध्र प्रदेश की मिर्ची तू चखने में मसालेदार हो सकती है क्या? यू, अरे भाई, मरो भाई, मरो भाई, क्या मतलब? प्यार से मजा ले रहा है, काश ये मजा मेरी नसीब में होता। उसको देखकर सब खड़े होंगे पर हम खड़े नहीं होंगे। नमस्ते मालिक। खड़ा होने से मना किया था ना, तुम क्यों खड़े हुए? इज्जत तो देने से मिलती है साहब, छीनने से किसी को इज्जत नहीं मिली। अब आप बैठिए ना। आपके इस गांव में जो 50 बीघा जमीन है उसमें कलेक्टर की इजाजत लेकर पशुपति जी फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं। पशुपति अपने हिस्से की जमीन तो दे चुके हैं, आप भी अपने हिस्से की जमीन दे देते तो पूरे गाँव का भला हो जाता। भाषण खत्म हो गया। शिवाजी जी, तुम्हारी जमीन फ्री में नहीं चाहिए, आप उसकी कीमत बताओ, उसकी कीमत तुम्हें मिल जाएगी। आपका बेटा है? यस। अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छी पढ़ाई और अच्छी तरह से पाला भी होगा। अभी अगर मैं तेरे सामने तेरे बेटे को
तलवार से काट दो तो ए! अगर काट शिवाजी गुस्सा आया ना वही जो जमीन अपनी माँ जैसा खाना देती हो उसको अपनी आंखों के सामने फैक्ट्री के नाम पर कैसे कुर्बान होने दूंगा समझे आप एक नेता की हैसियत से प्रजा के लिए अच्छा सोचो तुम एमपी हो इसलिए जिंदा खड़े हो नहीं तो कांग्रेट एक चांस दिया आपको तुम भूल जाओ तो ही अच्छा है पशुपति किसी भी कीमत में मुझे वो जमीन चाहिए ही चाहिए गुड मॉर्निंग अच्छा बच्चों से धोखा करके तो तुम जीत गए अगर दम है तो मुझसे जीत कर खाओ अरे बाप रे आपके साथ ना बाबा ना अगर मैं जीत जाऊंगा तो क्या कह रहे हो जीत तो मेरी होगी सानिया मिर्जा कर्ण मल्लेश्वरी जहाँ पैदा हुए वही की पैदाश हूँ खेल क्या है ये मैं अपने जबान से कैसे बता सकता हूँ मैं बताता हूँ दीदी मैं बताता हूँ पिंकी इधर आओ मैं इसको आंख बंद करके ऐसे लेटूंगा अगर मेरा हाथ इसे टच हुआ तो ये जीत गई अगर मेरा हाथ इसे टच नहीं हुआ तो मैं जीत गया इस तरह खेलते हैं आप भी खेलिए ना दीदी प्लीज रुको रुको मुझे बहन से कुछ काम है बच्चों खेलो बाय हेलो करणम मिर्जा जी डर गई क्या ये लिलीपुट तेरी बहन ने तो बड़ी बड़ी फेंकी थी बड़ा धौंस जमाया था लेकिन हुआ क्या ओके घूम जाती हूँ ना स्टॉप ये क्या स्टॉप अब क्या है सुनो एक ही जगह पर खड़े रहो ना मेरी फीलिंग्स तो समझो ओके हम जीत गए गिव द मनी चलो 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 आप हार गए इसका दुख है क्या महालक्ष्मी जी क्या एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए ना कौन जीता है आप या मैं लेडीज एंड जेंटलमैन एज फॉर द लव गुरु थियरी चंदू जैसा एक बलवान लड़का महालक्ष्मी जैसी एक कोमल लड़की के आज रात को 9:10 में धीरे 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 से उसके मन में आने वाला है स्टे ट्यून्ड मुझे पता है वो मुझे कभी याद नहीं आएगा इम्पॉसिबल हाय महालक्ष्मी महालक्ष्मी यहाँ यहाँ महालक्ष्मी 9 में भी 6 बाकी है हाय महालक्ष्मी अभी 9 में 3 बचे हैं मजा करो हाय महालक्ष्मी सिर्फ 1 बचा है महालक्ष्मी अभी 5 बचे हैं देखो पता चल रहा है तुम क्या करने जा रही हो देखो पता चल रहा है देखो 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 चेहरे पे दिख रहा है तुम्हारे बाकी बचे समय में फोन पर बात करूंगी तो कैसे याद आओगे कब से ट्राई कर रहा हूँ मैं ऐसा क्या इस तरह अकेले में मिलने के लिए ये आवाज कहां से आई मैं आंख बंद करता हूँ फिर से निकालना ये साउंड कहां से आया कहां से आया यहां से इस वक्त महालक्ष्मी बात कर लो जल्दी से हेलो हेलो उस सेफ को कुछ अकल है क्या दोस्त दोस्त बोल
कर मेरे सर पर रख दिया। अरे उसे क्या देखकर तूने प्यार किया है? वो और उसका फिजिक। दूध बेचने वाला वो लगता है भैया। अरे वो धोखेबाज है, मैंने तुम्हें कहा था पर तुमने नहीं सुना। उसे दिल का टुकड़ा और न जाने क्या क्या बना। हेलो, तुम कैसी बातें कर रही हो? ये देखो पैंट पहनना भूल गई। सो हॉट। गिव मी द पिलो। डोंट टच माय पिलो। फ्रेंड? ए कौन है? अरे तू है, चल आ जा बैठ। ये जरा ठीक ढंग से बैठना। दे क्या बताऊं मेरे यार, मैरिज की पहली रात में अपनी कैटरीना के साथ क्लोज होने जा रहा था। देन व्हाट हैपेंड? एक फोन ने सब कुछ खलास। Excuse me. रात को डिस्टर्ब किया था। हेलो। हाँ हेलो। बुलाया क्या? ए, शर्मा क्यों रहे हो? आपने बुलाया ना इसीलिए। एक्स्ट्रा मत कर। तुमने कहा था ना 9 से 10 बजे तक याद आओगे। तुम याद नहीं आए, तुम हार गए हो। यू हैव लॉस्ट। सुनिए जी। हाँ? ये आपका सुंदर हाथ अपने हार्ट पर रखकर मुझे सच सच बताओगे वो 1 घंटा छोड़कर बाकी 23 घंटे तो आपने मुझे ही याद किया था। क्यों, मैं सच बोल रहा हूँ ना महालक्ष्मी? कल मेरी मन आज संग नच ले, छोड़ूंगा ना आज कितना तू बच ले। कहे तेरे दिल में तू कुछ न छुपा, तुझे प्यार है मुझसे जाना। छोड़िए सुन छोड़िए मेरे पास आ लग जा गले। छोड़िए सुन छोड़िए मेरे पास आ लग जा गले। जब भी
कैटलिन, महालक्ष्मी कहाँ पर है? अर्ली मॉर्निंग निकल गई। चंदू, जाते जाते तुम्हारा फोन नंबर ले गई। कह रही थी तुमसे कोई खास बात करनी है, इसलिए तुम्हारा नंबर जिद करके ले गई। बेस्ट ऑफ लक। यस माय फ्रेंड। व्हाट फ्रेंड? तुमसे एक बात पूछूं? तुम बोलोगे तो जान भी दे दूंगा। hey! वो तो मैं जानता हूं, तुम्हारा नाम क्या है? चंदू। What a beautiful name, my friend. Bye. अलविदा। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। सर, अब फर्स्ट नाइट के लिए जा रहे हैं ना, जरा इसे बजाने के लिए लीजिए। मेरी शादी हो चुकी है, तुम्हारी नहीं हुई, तुम ही इसे बजाते हो। चाचा, I'm in love, चाचा। चंदू से मुझे प्यार हो गया है, मैं नहीं चाहती थी पर हो गया है। आपको पता है चाचा, अब वो मेरे फोन कॉल का इंतजार कर रहा है। चाचा, तबीयत ठीक नहीं? कैसी हो बेटा लक्ष्मी? आंटी, हम ठीक हैं। अरे क्या बेटा, कितनी पतली हो गई तुम। पासपोर्ट वीजा सब है ना, तैयार हो जाओ, चलो चलना है। इतनी जल्दी क्यों? तुम पिछले 4 साल से शादी के लिए ना कर रही हो, उधर मेरा बेटा इंतजार कर रहा है। चलो ना बेटी, चलते हैं। आंटी, मैं एक लड़के से। आप लोग ऐसे क्या देख रहे हो? महालक्ष्मी की शादी में नहीं आना क्या? इनको क्या अलग से दावत देनी पड़ेगी? आंटी, वो बहुत अच्छा। बेटी, अपना सूटकेस में सामान तो भर लो। महालक्ष्मी की बात तो सुन लीजिए। होटल में कब धोने वाला नौकर तू? किसी की इज्जत के बारे में क्या जाने? लेकिन उसकी जबान मत चलाना, खींच लूंगी। बेटा, मैं जो बोल रही हूँ समझ में नहीं आ रहा है क्या? Excuse me. Yeah. May I have a phone call, please? I'm talking. It's just one call. It saved my life. Just a moment. I'll call please. You. Yeah. Thank you. Hello. Thank God. Chandu. Mahalakshmi. I love you, Chandu. I love you. अंकल, महालक्ष्मी ने मुझे आई लव यू बोला, आई लव यू बोला मुझे। हाँ, लक्ष्मी बोलो, बोलो। चंदू, मैं जो बोल रही हूँ वो सुनो। मैं तुम्हें ये बात कितनी खुशी से बोलने वाली थी, लेकिन अब दुख से बोलना पड़ रहा है। क्या बात है? मेरी आंटी मुझे अपने लड़के के साथ शादी कराने के लिए इंडिया लेके जा रही है। मेरे लिए तुम आओगे ना? महालक्ष्मी, तुम कहाँ पर हो? ये कौन है तू? महालक्ष्मी को आपने मारा? मेरी होने वाली बहू को जान से मार दूंगी, तू ये पूछने वाला कौन होता रे? 10 सेकंड के पहले मैं महालक्ष्मी का वन साइड लवर था, इस सेकंड में मैं महालक्ष्मी का होने वाला पति हूँ। ए, फोन में क्या बड़ी बड़ी बात कर रहा है बे?
तेरे में अगर दम है, तू अगर असली मर्द की औलाद है, खड़प्पा आकर सामने खड़े रहकर बात कर, उधर ही बात करेंगे। फोन रख बे, चल अब रख फोन। क्या लफड़ा है तेरा? है ना भैया, उसका फोटो लेकर मैं आया हूँ। ये क्या दीदी, फोटो देखने के बाद मुझे थप्पड़ मार दी? अरे पागल, यहाँ पर उसे बुलाया है शादी करने के लिए, तेरी आरती के लिए नहीं। ये मार के बताना जरूरी था क्या? इसका इससे क्या रिश्ता है? मैनेजर है जी। इसके माँ बाप कौन है? बचपन में ही मर गया जी वो तो। क्या? बचपन में ही मर गए। झंडू बम लगाना है सर? अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटी। हाँ डैडी। इससे मुझे मिलना है, इसको यहाँ पर बुलाओ। अब तक आ गया होगा। अब तक तो वो घर तक पहुँच भी गया होगा। हाय 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 हाय। ओ बेबी। हाय चंदू, आजा। महालक्ष्मी का लहंगा और साड़ी सुपर्ब लग रही है यार। ये लड़का बहुत बढ़िया है। अब मेरा मतलब है जैसा नाम है वैसा है। महालक्ष्मी, I never seen on this mind blowing. You are so sweet. Thank you. पिच्चे जी, बहुत काले हो गए ना, धूप लग गई क्या? वो क्या है चंदू, मेरे दीदी मेरे को मार मार के काला कर दी। फादर। नमस्ते अंकल, मेरा नाम चंदू है। मैं और आपकी लड़की बहुत जल्दी शादी करना चाहते हैं। महालक्ष्मी टाइम मत वेस्ट करो, अपनी 10 o'clock की फ्लाइट है। Go and get ready. अरे हाँ, आने का रास्ता बिल्कुल अच्छा नहीं था। कौन से रूट से आए तुम? वाया राजापत। जाते वक्त वाया नेवी रोड जाना, जल्दी पहुंचोगे। ओ कम ऑन यार, लेट मत करो, गो एंड गेट रेडी। ए थोड़ी नीचे आवाज में बात करो। सेम वॉइस। आपने ही तो मुझे पता बताया था। ओ थैंक यू आंटी। तुझे यहाँ लाया है तेरी शादी कराने के लिए नहीं, जो मोर के गोड़ने के लिए। ए, इधर उधर क्या देख रहा है, सारे दरवाजे बंद कर दिए। ओ गॉड, मैं इसी का तो इंतजार कर रहा था। कितने दिनों के बाद ये चांस आया। ओ थैंक यू मैन। ए, चारों तरफ मेरे आदमी है, तेरी बोटी बोटी नोच लेंगे। तुझे डर नहीं लगता क्या रे? अपनी जान से भी ज्यादा चाहने वाली लड़की के लिए एक स्कूल के बच्चे को भी उस समय अपनी जान से प्यार नहीं होता। मैं तो फिर भी एक 26 साल का जवान हूँ और मिलिट्री स्कूल में पढ़ के और वहाँ पे कसरत कर करके अपने शरीर को फौलाद बना चुका हूँ। अब तक मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया है तो मुझे किस बात का डर होगा? हाँ कौन बीच में आ गया यार? अंकल भाई, तू अच्छा लड़का, इसीलिए तो आपकी बेटी ने मुझसे प्यार किया। मेरी बेटी की शादी तुझसे ही कराऊंगा भैया। अंकल आप दिखने में तो बहुत भयंकर हो लेकिन आपका मन बहुत अच्छा है। कोई बात नहीं, लेकिन शादी से पहले मेरी एक मदद करनी होगी। महालक्ष्मी के लिए मैं कुछ भी करूंगा। शाबाश चंदू, शाबाश। वो पास के गांव में शिवा नाम का मेरा एक दुश्मन रहता है, उससे डर कर मेरा भाई 25 सालों से छुप कर रह रहा है और डर डर कर जी रहा है। मैं अपने भाई को घर नहीं ला सकता हूँ। उस शिवा को मैं अभी तक मार नहीं सका हूँ, इसीलिए मैं आज तक सर झुका कर जी रहा हूँ। तुम मेरा ये काम कर दो, उसे स्टेशन से गांव तक तुम घसीटते हुए ले आओ, मैं खड़े खड़े अपनी बेटी का कन्यादान कर दूंगा, बेटी की कसम। लेकिन आपके भाई को इस गांव में आकर वो लोग नहीं मारेंगे, इस बात की गारंटी कौन दे सकता है? नहीं मारेंगे। वो क्या है कि हमारे दोनों गांव के बीच में जो बात तय हुई थी उसके मुताबिक उस गांव के लोग हमारे गांव के अंदर नहीं आ सकते। ओके 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 ओके, तुम्हारे भाई को लेकर आते ही नेक्स्ट सेकंड मेरी शादी से होनी चाहिए, ठीक है ना? पगला है, बेटी की कसम खाई है मैंने। वकील सर, दामाद जी के रहने का बंदोबस्त करो। आइए बाबूजी, आपको बहुत अच्छा कमरा देता हूं। ओह इट्स ग्रेट, कम ऑन बेबी। हेलो पशुपति, एक मुख्य सूचना। 25 सालों से मेरे भाई को मारता हूं बोलता था ना, तो ध्यान से कान खोल कर सुन ले, कल वो घर आ रहा है।
जग्गा मुद्दनूर रेलवे स्टेशन, समय शाम को ठीक 5 बजे। एक हो गए हम पालतू, उड़ गए निंदेरे और खन की पायल मस्ती में जो कंगी गंगी खनकेरे हम्मा 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 आपको भूख लगी है क्या? मेरा गला खराब है। आप घर तो जाओगे ना? नहीं, सुसु आई है। अरे भैया ये 10वीं बार है। बहुत जोर से आई है। मगर क्यों, किस लिए? मैं करके आता हूँ। अरे सुनो 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 सुनो, एक छोटा सा सवाल है, आप तलवार पकड़ते हो क्या? वो तो मेरे पास ही रहता है। बम फोड़ना आता है क्या? बम बनाना आता है मेरे को। और क्या क्या आता है तुमको? जब उसकी जरूरत पड़ती है ना तो छोटे। लड़ना मत, तुम्हारा सब कुछ समझ गया हूँ मैं। अच्छा ये ट्रेन अपने समय पर आएगी कि नहीं आएगी? टाइम पर बराबर आ जाएगी छोटे, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूर आएगी। भाई ने उन्हें टाइम बता दिया है। टाइमिंग डियर, देखा गाड़ी आ रही है कि नहीं? हाँ देखा, आजा 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 आजा। ये छोटा मामा कहाँ पे गया? उसका चेहरा देखने से अच्छा कि इसका चेहरा देखना है। आया कि नहीं? नहीं आया, नहीं आया। हाँ? हाँ? क्या हुआ? आ गया मामा। भाई नमस्ते भाई। अबे किधर है वो? इधर है भैया, वो देखो। रुको रुको मामा मामा, एक आदमी इतने साल डरकर छुपकर बैठ गया, ये मुझे यकीन नहीं हो रहा यार। लेकिन तुमको देखा तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि वो तुम ही हो सकते हो। क्या हम चलेंगे छोटे मामा? मामा पर हमला बोला बताया, मारा मारी बताया, यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। तू मुझे डरा रहा है क्या? अरे आपसे पहले तो मैं मरूंगा ना। तू तो सिर्फ कह रहा है, यहाँ मेरी जान निकल रही है, चल मुझे यहाँ से रिटर्न कर दे। ओके ओके ओके, कूल बड़ी कूल। लेकिन तुम्हारा नाम क्या है यार? श्रीमान गजपति नायडू। तू हंस क्यों रहा है? अरे इनके तो खाली नाम में जोश दिख रहा है, इनके चेहरे पे कोई जोश ही नहीं है। तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? अरे मैं गाड़ी से उतर जाऊंगा, ये मुझे बार-बार चुप करना, मजाक में तू बेइज्जती कर रहा है यार। बड़ी जोर से आई है। अरे क्यों यार? गाड़ी रुका ना वरना निकल जाएगी। आगे देख, रुक जाएगी। आजा 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 आजा, मजा आएगा। चल चल। निकल रहा है वो, पकड़ो, निकल रहा है। साइड से चुपचाप बैठा रहो यार, साइड से निकल। अरे साइड से निकल निकल, एक्सीडेंट हो जाएगा यार। अरे चुपचाप बैठो यार, निकल साइड से निकल। अरे अरे क्या कर रहा है? अरे अरे पागल हो गया। अरे छोटे मामा तुम गाड़ी से कूद क्यों गए यार? जल्दी करो। जान पे बनी है और तुझे मजाक सूझ रहा है, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ, तू सीधे रास्ते पे नहीं चल सकता क्या? ये क्या कर रहा है? अरे तू पहले क्यों नहीं बताया यार? चल आजा। अरे चढ़ा दिया मेरे ऊपर, अच्छा मौका मिला, चढ़ा दे। अरे सुमो को उठाएगा क्या? अरे अरे चढ़ा। अब देखते हैं। भाई तू आदमी है क्या? बुलाना भूल गया क्या, या फिर तुम्हारी उम्र कम हो गई है?
लेकिन कैसा आदमी है तू? अभी पता चला क्या तुम्हारे सिंह गणपति नाडू का और कौन सी लड़ाई आती है? अरे चलो चलो, तुम लोग कहां पागलों की तरह बात कर रहे हो? तुम लोग क्या सिनेमा की बात लेकर बैठ गए हो? जल्दी निकालो, जल्दी। ऐसा कोई ठोकर मारता है क्या? अरे तुम लोग को ठोकर आए हो बड़े भैया, मैं नहीं बने हो यार। अरे बचना नहीं चाहिए, मैं मार डालेंगे। अरे अरे निकाल जल्दी, बोलना अच्छा नहीं लगा। अरे निकाल जल्दी, बोलना अच्छा नहीं लगा उनको। अरे अरे जल्दी जल्दी, ऐसा बुलाना है क्या? ये देखो अच्छा। अरे एक बार मैंने बॉल को बाउंड्री पे मार दिया तो या तो सिक्स होगा या फिर फोर जाएगा, लेकिन कैच नहीं होगा। तू किससे टक्कर लेना जानता नहीं? शिवाजी से, उनके बारे में जानता नहीं, तू नहीं बचेगा। मैंने भी तो वही कहा है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, जाकर उसको बता देना कि उसका बाप आयल है। भाई को लाने के लिए जाने किसको भेजा है? मुझे नहीं लगता वो उसे लेके आएगा। मुझे भी नहीं लगता। हाँ, आप चुप रहो, कुछ भी बोलती हो। अरे लेकर आ गया। अरे आरती उतारो, अरे वो हार लेकर आ भैया। अरे जल्दी आ इधर आ। ये लोग तो पहले से ही हार भी लेकर तैयारी में हैं। इनको मुझ पर इतना भरोसा था क्या? सही सलामत आ गया, इसके लिए स्वागत कर रहे हैं। कुछ हो जाता तो तस्वीर पे हार चढ़ाते। चलो चलते हैं। वेलकम। ये क्या हुआ? क्या हुआ? वजह से जान बच गई मेरी। मेरी वजह से तेरी जान बची है। क्या हुआ? अरे चोट पे तुम और चोट क्यों दे रहे हो? तू चुप कर। कितने साल हो गए, कैसा है तू? मामा मामा, मेरी शादी कब करोगे? बात कर रहा हूँ ना। ओके ओके ओके, कैरी ऑन कैरी ऑन। अच्छा ये बताना, ये कैसे हुआ बताना। सॉरी मामा, मेरी शादी। क्या बीच में बार बार बीच में आके इन्हें टेंशन क्यों दे रहे हो? मैम साहब ऊपर है, तुम जाके उनसे मिलकर आराम करो ना। अरे वाह, तुम तो कितने अच्छे हो। मैंने सही कहा ना? पागल कहीं का। टिंग टिंग टिंग। मामा आ क्या है बोल। अगर आप लोग जल्दी करेंगे तो मेरी शादी जल्दी होगी, और अगर मैं जल्दी करूं तो आपकी बेटी माँ बन जाएगी। माँ लक्ष्मी, वेर आर यू? आई एम कमिंग। ये कैसे हुआ ये तू मुझे बता ना। अशु भैया, अशु भैया, चप्पल से मारूंगा। आप शादी कब करा रहे हैं? भाई मुझे और भी काम है, वर वधु को आशीर्वाद देकर मुझे जाना है। ये आपका भाई है क्या? हाँ छोटा है तो। ऐसा होलिया क्यों बना रखा है जैसे मदारी के हाथ से बंदर छूट कर भागा हो? दीदी तुरंत जाना है, दीदी हमको फॉरेन का टिकट बुक कराना है। दीदी मारा क्यों? ज्यादा जबान चलाओगे तो तोते उड़ जाएंगे, तो फ्लाइट से जाओगे। एक हफ्ते के बाद भी जाऊंगा तो फॉरेन ही जाऊंगा, ऊपर नहीं जाऊंगा। दीदी चुप कर रहे। मामा अब क्या हुआ? रात को मुर्गी एकदम होटल के स्टाइल में बननी चाहिए। तो अभी तो साइड बदल दिया क्या बेटा? और कुछ नहीं चाहिए अंकल, जब बाजू में महालक्ष्मी जैसी लड़की हो तो आउट। काटती है मुझे। भैया ये क्या हो रहा है ऊपर? रुक जा, इतनी जल्दी मत कर, अब तक डर कर कुत्ते की तरह जिया है। 25 सालों से अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए एक ही हथियार मिला है। कब कैसे कहां इसे चलाता हूं बस तू देखता जा। कितने लोग आए थे? अकेला था। अकेला? मामा, दामाद जी, बाहर गांव से मेरे कुछ साथी आ रहे हैं तो उनका इंतजाम बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ हाँ करता हूँ। छोटे मामा,
जरा दाढ़ी बनाकर आदमी जैसा रहना सीखिए प्लीज। तुझे तो अभी रुकना। रुक। साहब 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 शादी का सामान लेके आते समय रास्ते में शिवाजी के आदमियों ने हमें पीटा साहब, बहुत पीटा साहब। बोलना मुझे मालूम था। ए रोको शादी, मैं बोल रहा हूँ शादी रोको, रोको शादी रोक दो। ये शिवा जो है मेरे घर में कोई अच्छा काम नहीं होने देगा। पंडित जी ये थाली को फेंकिए और जाइए। बेटा तू एक काम कर, मेरी बेटी को दूर ले जाकर उसके साथ शादी कर ले। भाग कर शादी मैं क्यों करूँ, चाहे कोई भी आ जाए माँ लक्ष्मी से शादी मेरी होगी। मैं जो बोल रहा हूँ समझ लो दामाद जी, उस शिवा के बारे में मुझे मालूम है तुम्हें नहीं। कहाँ जा रहे हो? शादी पर बुलावा भेजिए, जिसको देखकर आप लोगों को इतना डर लग रहा है उसे ही शादी पर मैं यहाँ बुलाऊंगा। आप लोग अपना काम करते रहिए। अरे नहीं बेटा, वो शिवा बहुत खतरनाक आदमी है, तुम उसके पास जरा संभल कर जाना। गया ना? चला गया। बहुत कमाल का नाटक करता है। ये आइडिया आप ही का था ना? मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ, क्रिमिनल नहीं, सब उन्हीं का दिमाग है। बाप के हाथों से बेटा मरा तो उस शिवा के जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं, और अगर बेटे के हाथों बाप मर गया तो ये अपने हाथों से मारा जाएगा, समझे? वकील साहब, अगर दोनों बच गए तो? ये दोनों मरेंगे। पुजारी जी। जी यजमान। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उसकी लंबी उम्र के लिए मैंने इस यज्ञ का आयोजन रखा है, शुरू कीजिए। बेटे का नाम? चंदू। ओम ब्रह्म यज्ञे नमः। पशुपति के भाई को जिसने बचाया था वो आया है। घर के अंदर घुसने से पहले उन सबको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर डालो। काट डालो इसे। लोगों से लड़ने झगड़ने नहीं आया हूं, मेरी बात सुनो, मेरा यहां पर कुछ और काम है, पीछे हट जाओ। काट डालो इसको। यह हुआ यज्ञ आपके पुत्र के आयु के साथ साथ धन दौलत में भी वृद्धि देगा और वो खुशहाल जीवन जिएगा। ये बहुत ही महान कार्य है। कौन है वो? जो घर पर आया वो मर्द आदमी है। ए सूरी,
जो इतना बड़ा मर्द है उसकी जरा शक्ल तो देखें, दिखाना। साहब जी, वो जिंदा है या नहीं बताओ मुझे। जिंदा है। बेटा बेटा उठ जा, बेटा बेटा उठ जा, उठ जा, उठ जा। साहब जी ये कौन है? यही तो क्या? यही तो मेरा बेटा है, बेटा है मेरा, जिसे प्यार से पाला, जिसका एक बूंद खून नहीं देखना चाहता था, उसी का खून बहते हुए देख रहा हूं। ए, गाड़ी निकालो। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अंदर ऑपरेशन चल रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी तक मेरी जिंदगी में मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं अब दोनों हाथ जोड़कर मेरे बेटे की जीवन की भीख मांग रहा हूं। उसे कुछ हुआ तो मैं जी नहीं सकूंगा। भैया हम जीत गए। हेलो, फिक्र करने की कोई बात नहीं, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, ही इज आउट ऑफ डेंजर। तेरा लाख लाख शुक्र। ये सब कैसे हुआ? कहाँ है मेरा बच्चा? कैसा है मेरा चंदू? अब वो खतरे से बाहर है, मुझे अभी एक बार उससे मिलना है, सब ठीक हो जाएगा। मैं उसे कैसे मैं दिखाऊं? अब चलिए मेरे साथ आइए। हाय मामा। ये क्या है चंदू, कैसे हुआ है सब? सॉरी मामा, मैं आपसे झूठ बोलता रहा। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? ये सब शायद मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं तुझे सच्चाई बता देता तो शायद ये सब नहीं होता। क्या हुआ? मैंने तुमसे एक बात छुपा कर रखी थी। तुम्हारे पिताजी मरे नहीं है, वो जीवित है, वो जिंदा है। मामा ये क्या कह रहे हो तुम? जिसके साथ तुमने दुश्मनी मोल लिया, जिसके वजह से ये सब कुछ हुआ, वही है तुम्हारे पिताजी, तुम्हें जन्म देने वाले। भगवान के स्वरूप है तेरे पिताजी, आज बेटे के सामने शर्मिंदा है। जानता है क्यों? रॉयल सीमा के खानदानी दुश्मनी की वजह से तुम्हें दूर रखा, उसके बाद भी तुम्हारी खुशहाली के लिए हमेशा गांव के गरीब लोगों को दान दक्षिणा से मदद करते रहे हो, क्योंकि उस पशुपति के जुल्म का शिकार न बन जाओ, इसलिए उसने अपना ये रास्ता चुना। पेट भर के खाना भैया। पशुपति के बधुआ मजदूर के जुल्म से पूरा गाँव अनाथ हो गया था, सबका जीना उसने दुश्वार कर दिया था। साहब फूकर पैसे गला सूख गया है, कुछ खाने को दो ना साहब, भूख से जान निकल गई है। भगवान। उठिए माँ। सुनो तुम लोग, काम बंद कर दो। ए, मेरे इलाके में आकर मेरा काम बंद करा रहा है? पशुपति, इन लोगों ने तुमसे जो उधार लिया था उससे चार गुना ज्यादा मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, और जमीन भी लिख कर दे रहा हूँ। शिवा,
इन भिखारियों के लिए मुझसे पंगा मत ले, समझा रहा हूँ। रुक जाओ। जिसमें इंसानियत नहीं वो कुत्ता होता है। आज के बाद इन सारे आदमियों को मैं गोद ले रहा हूँ, ये सब मेरे अपने हैं। जुल्म के खिलाफ जिस तरह तुम्हारे पिताजी ने आवाज उठाई थी, गरीबों का हक छीन कर उस पर जुल्म कर रहा था, उसी के लिए तुम्हारे पिताजी ने पशु को अरेस्ट करवाया। मुबारक हो जुड़वा बेटे हुए। मैं आज बहुत खुश हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? सुनिए जी, ये गांव, यहाँ के लोग, ये दुश्मनी, ये सब हम यही छोड़ देंगे। अपने बच्चों के भविष्य के खातिर यहाँ से दूर चले जाएंगे। मेरी इतनी बात को मानेंगे ना जी? ये गांव वाले मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं और साथ साथ प्यार भी करते हैं। गांव छोड़कर नहीं जा सकता। पशुपति की जो बेइज्जती हुई थी उसका उसने बदला लेने के लिए ठान लिया और उसके फिराक में लग गया। बच्चे को इधर लाओ जी। तुम्हारे बाबू अपने पापा के साथ आएंगे, आप चलिए। बाबू, अरे शिवाजी, प्यास लगी है, कहीं से पानी लाओ बेटा। लगता है अपने पापा को छोड़ना नहीं चाहता। बाबू, नहीं रोते नहीं। सुनो जी, यहाँ क्या कर रहे हो जी? माँ को प्यास लगी इसलिए पानी ले रहा हूँ। बच्चा कहाँ है? माँ के पास में ही है वो। कहाँ है मेरा बच्चा? कहाँ है मेरा बच्चा? मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा दे दो। क्या इस दिन के लिए मैंने उसे कुएं में रखा था? मैं एक सेकंड भी उनको अपने से अलग नहीं करना चाहती थी। कैसा अनर्थ हो गया ये? मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। तुम्हारे पिताजी से रूठकर तुम्हारी मम्मी ने उन्हें छोड़कर जाने का फैसला किया। उन्हें रोकने के लिए तुम्हारे पिताजी ने भरपूर कोशिश की। उनका कहना मानकर साथ में रहने के लिए तुम्हारी माँ ने शर्त रख दिया। तुम्हारे पिताजी मजबूर होकर शर्त को मान लिया। क्या हुआ भाई साहब? बेटे को लेकर जाइए यहाँ से। शिवाजी, देख इधर, देख, आगे मत बढ़ना, नहीं तो छोड़ दे रहे उसे। पार्वती, पार्वती, तुम्हें कुछ नहीं होगा पार्वती, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा पार्वती। नहीं जी, अब मेरी रक्षा क्या करोगे? मुझे अपनी जान से बढ़कर भी बच्चे की जान प्यारी है। वादा करो मुझसे, वादा करो, बच्चे को तुम यहाँ नहीं रखोगे, दूर रखोगे, नहीं रखोगे? भाई साहब, बच्चे को यहाँ से दूर ले जाओ, इस आदमी की सहाय से कहीं दूर ले जाओ। भाई साहब, तुम मेरे बच्चे को दूर ले जाओ, जाओ बच्चे को ले जाओ भैया, ले जाओ पार्वती। पार्वती भाई साहब,
आज से मेरे बेटे के माँ बाप आप ही हैं। ले जाओ इसे। तुम्हारे पिताजी के साथ जो जुल्म हुआ वो सुनकर पूरे गांव वाले पशुपति के खिलाफ गुस्से में आ गए। अपनी दुश्मनी पूरी गांव की दुश्मनी ना बन जाए इसलिए तुम्हारे पिताजी ने सर पर हाथ रखकर उन्हें कसम दे दी। उस दिन से तुम्हारी माँ को दिया हुआ वचन निभाते गए। तुमसे दूर रहकर हर रोज मर मर के जी रहे हैं तुम्हारे पिताजी। इससे बड़ी सजा इस संसार में आज तक किसी को नहीं मिली होगी बेटा। उनके अंदर तुमसे आंख मिलाने की हिम्मत भी नहीं है। वो अपनी गलती के पछतावे के आग में जल रहे हैं। बाहर तो आइए। सुख संपत्ति का दायक बना तू ही।
रब तेरे जीवन के मिटाए सारे गम, खुश रहे तू सदा तेरी आंखें ना हो नम। तू खा ले आज कसम ये तुझ में है इतना दम रे, ए दुश्मन को मिटा दे जड़ से। ये दोनों जब मिल जाए सारी दुनिया हिल जाए, हर तरफ खुशियों के रंग बरसे। हो रहा तुझसे है मुझको कितनी आशाएं, तू ही निभाएगा सारी वफाएं। मैं के जीवन जैसे हो रजनीगंधा, तू नंदा गोविंदा गोविंदा। मैं के जीवन जैसे हो रजनीगंधा, तू नंदा गोविंदा गोविंदा। भाई साहब, हमारे दुश्मन पशुपति के लड़के से चंदू प्यार करता है, इनका प्यार टूटना नहीं चाहिए, इसके लिए बात करना चाहता हूँ। वही प्यार उसे मेरे पास लेकर आया है, 25 साल तक बाप होकर भी जो प्यार नहीं दे सका, कम से कम उसके प्यार को जिताएंगे तो और दोनों की शादी करेंगे। लेकिन हमारे बीच में होने वाली लड़ाई में चंदू को अगर कुछ हो गया तो मैं जी नहीं सकूंगा। भाई साहब, चंदू को कुछ नहीं होगा, वो आपका खून है। कलेक्टर साहब, ये सब क्या हो रहा है? ये सालों से बंजर पड़ी जमीन को 4 गवर्नमेंट ऑफिसर के नाम से सर्वे करके दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स है। हम जैसे गरीबों का पेट चलाने के लिए ये जमीन तो उपजाऊ है साहब, आप हमसे ये जमीन छीन लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे साहब? भीख मांग कर खाओ, नहीं तो फांसी लगाकर मर जाओ। अरे कलेक्टर साहब, मेरी बात सुनो, इन सब लोगों को बाहर निकालो और घास लेट डालकर आग लगा दो। क्या बात है, ध्यान से देख रहे हो ना, गरीबों के खून से जमीन भीग रही है। कहीं ऐसा ना हो कि आप ही के खून की बलि चढ़ जाए, लक्षण तो वही लग रहा है। ये जमीन बंजर है। क्या ये जमीन ऑफिसरों के नाम हो गई है? जमीन खेती करने के काम नहीं आए तो क्या डालना चाहिए? खाद डालना चाहिए या आदमी को काट कर जमीन में गाड़ना चाहिए? आप यहाँ से जाएंगे या हम आपको गाड़ दें? आप क्या चाहते हैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ए शिवा, कलेक्टर को डराएगा तो क्या होगा, उसे ज्यादा से ज्यादा बुखार आएगा। इन लोगों को डराना। देख शिवा, ये सब गांव वाले तुझे झुककर सलाम करने वाले हैं, हाथ उठाकर मारने वाले नहीं हैं। इसीलिए मैं दूसरे गांव से आदमी लेकर आया हूँ। ए शिवा की मुंडी काट कर जो मेरे पैरों में डालेगा उसको मैं बहुत अच्छा इनाम दूंगा। जा रहे साहब, आप यहाँ से चले जाइए, इन कमीनों के लिए तो हम लोग काफी है। एक इंच भी मत हिलना पापा। इसने अभी तक बाहर की ठंडी हवा खाई है, इस गांव की गर्म हवा अभी तक नहीं खाई। ये लोग तेरे बेटे को मार डालेंगे, सही कहा ना? Yeah.
पशुपति, जबान संभार कर बात करो। आदमी को नरम और हाथ कड़क होना चाहिए। मैंने तो इसे इस जमीन से बहुत दूर रखने की कोशिश की, लेकिन खून तो खून है, उसे कैसे बदल सकता हूँ। ये है मेरा बेटा। झंडू बाम झंडू बाम पीड़ाहारी बाम। सर, मौत आपके सर पर आके मंडरा गई, फिर भी आप बच गए। सर से लेकर पैर तक दुख रहा है, उसके लिए बाम लगा लो। क्यों नहीं लगाना है? देखा, आज के दिनों फिर हमें मार दे गया। इंसान को अपने औकात में रहना चाहिए। लॉयर अंकल। क्या है बेटा? वो कैसे है? औलाद की तरह है बेटा, वो एक इन सौ के बराबर है। यकीन नहीं आता तो पापा से पूछ लो। महालक्ष्मी। क्या पापा? तुम्हारी शादी। सही, ऐसे सही इंसान बनकर दिल से सोचो। अगर जंग नहीं जीत सकते हैं तो हार मानने में ही भलाई है। अरे कौन है उधर? बैंड रेडी करो, साहब अपनी बेटी का रिश्ता पक्का करने जा रहे हैं। सर, शादी चंदू के साथ नहीं, मेरी बहन के लड़के के साथ होगी। एकदम सही फैसला किया आपने। लॉयर अंकल, हाथ तो दे रहा। थैंक यू अंकल। आंटी, आई एम गोइंग टू मैरी योर सन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चाचा जी, आई एम सो हैप्पी, माइंड ब्लोइंग। यस यस यस, उससे मेरी शादी, मुझे शर्म आ रही है। इतनी जल्दी पासा कैसे कर गया, समझ में नहीं आया। नहीं समझोगे तुम, शादी का बुखार जब सर पर चढ़ता है तो ऐसे ही पागल हो जाते हैं लोग। सर आप ये क्या कर रहे हैं, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। ये शादी की बात सुनकर चंदू जरूर यहाँ भागा आएगा। वो अगर यहाँ फिर आया तो खड़े खड़े चीर दूंगा। भैया आपका प्लान तो सुपर्ब है। हाँ बेटा, तो कब आ रहा है? I'm waiting. हाँ बुलाती हूँ बेटा, अभी उसको फोन करके बुलाती हूँ। इनका नाम है प्रेम कुमार। जैसा ये प्यार करने में महान है, उसी तरह दिल के भी महान है। देखते हैं इनका प्यार कैसा है। हाँ बेटा। क्या हुआ बेटा? आ, 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 अरे क्या कर रहा है? अरे गिर जाऊंगी मैं। अरे मेरी अरे क्या कर रहा है? अरे गिर जाऊंगी। अरे वो माँ है, माँ। अरे माँ, माँ क्या हुआ? माँ मामा जी, मामा जी ये सब अभी नहीं, मामा जी नहीं 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 नहीं। अरे नहीं रे, अरे नहीं नहीं यार, शर्मा भाई तेरी शादी होने वाली है। अरे नहीं, अरे नहीं, मत कर छोटे मामा जी। मामा जी छोटे, मामा जी छोटे, मामा जी तू। मामा जी आपने वो सिगरेट खोली थी ना, वो लाने में भूल गया। अरे दूसरी बहन की पूरी बैग भर के लाया हूँ। मामा जी एक पप्पी दो ना। कौन बचा है? लॉयर अंकल। डियर महालक्ष्मी। डियर महालक्ष्मी। डियर कलकत्ता मीठा पान। ऐसा सोच रहे हो? स्माइल ऐसा है लेकिन खून ऐसा नहीं है। क्या हुआ तुम्हें? मुझे बीमारी है, कुछ दिनों में मैं मरने वाली हूँ। तो फिर हमारी शादी? डॉक्टर ने बीमार लड़के से ही शादी करने के लिए कहा। हाँ। लेकिन मुझे तो बीमारी है नहीं। इसीलिए उसी बीमारी वाले लड़के से मैंने प्यार किया था। प्लीज हम दोनों को मिलवा दो ना। यार भगवान, ये तेरा इंसाफ है क्या? जिंदगी की शुरुआत नहीं की इसने और तुम इसे मौत दे रहे हो। बस मुझे बताओ उस लड़के का नाम क्या है। एंटर कर गया क्या? एंटर कर गया क्या? महालक्ष्मी, मैं आज ही तुमसे उससे मिलाऊंगा। महालक्ष्मी मैं मिलाऊंगा आज ही रात को। हाँ। मुझे पता था तुम मेरे लिए जरूर कुछ न कुछ करोगे, इसलिए लोग मुझे दरिया दिल कहते हैं। वैसे उस लड़के का नाम क्या है? चंदू। वेरी स्वीट नेम। कहाँ का है वो? बगल वाला गांव। चंबल घाट का? ओहो, तो फूलम घाट का? यमराजपुर। यमराजपुर? यमराजपुर में कहाँ रहता है? सुल्तानपुर का है क्या? इकबालपुर का होगा? नहीं। ओहो, दुर्गा स्वामी का लड़का? शिवा का बेटा है। शिवाजी का लड़का?
महालक्ष्मी जीने की बजाय मरने की ठान ली है क्या? सेम स्मेल, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? पर्सनल, प्लीज। ये पर्सनल उसके सामने कैसे कह सकता हूँ? फूटे मेरी किस्मत, फूटे मेरी किस्मत, फूटे। अबे अपने चप्पल अपने सर पर क्यों मार रहा है? तू भी चप्पल खाएगा, निकल यहाँ से। क्या हुआ बाबा, गांव की सरहद पार करते ही तुम्हारी आंखें क्यों लाल हो गई? क्या हुआ क्या? ऐसा तुम्हें लगता है? आज मुझे मेरी मर्दानगी पर शर्म आ रही है। ये देखो मेरी बात सुनो, हम दोनों वहाँ जाएंगे, उस लड़के से मिलेंगे, मिलने के बाद हम दोनों एक साथ लौट आएंगे। हाँ तुम खुद ही जाओ। अरे जाओ ना। तुम नहीं आओगी? मैं क्यों आऊं? लगा था मैं यहाँ शहीद हो जाऊंगा, अब लगता है माँ के हाथों मरूंगा। ओहो लक्ष्मी, क्या लॉक लगा हुआ है? चलो 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 निकलते हैं, चलो चलो। उधर दरवाजा खुला है, चलो उधर से जाते हैं। अरे नहीं, ये लोग जाग जाएंगे। चलो चलो चलो। ए रुको, चांद चिंगम बाबा, आजा आजा। अरे आजा ना। कितने दिन के बाद आया तू? काट डालूंगा साला। तलवार तू अपने बदन पर लेकर नहीं सोया यार? मेरे भविष्य के ऊपर महालक्ष्मी। कितना अच्छा काम किया तूने महालक्ष्मी, और थोड़ी देर हो सकती तो मैं गया होता काम से। डरो मत, मैं मैनेज कर लेता हूँ। मैं सही कर रहा हूँ ना महालक्ष्मी? इसको भी तुमने अच्छे से कवर कर लिया। ये सारे अपनी बिरादर के लगते हैं। महालक्ष्मी। हाय चंदू। इधर आओ। कहाँ? क्यों आई हो? ये हाथ मत छोड़ना। क्यों आई पहले बताओ। चंदू, मेरे पिताजी ने तुम्हें धोखा दिया है, मैं वहाँ पर एक पल भी नहीं रहना चाहती, हम शादी कर लेते हैं। Don't be foolish. इस समय हमारा शादी करना ठीक नहीं होगा। पहले गांव की मुसीबत दूर करनी है, उसके बाद मैं तुमसे खुद शादी कर लूंगा। One second, please. आपका ये फैसला बिल्कुल सही है। आओ लौट चलते हैं महालक्ष्मी। घर जाऊंगी तो इसी बेवकूफ से शादी करनी पड़ेगी। कोई भी पागल अगर तुमसे शादी करेगा तो मैं उसे मार दूंगा। इधर आओ। भाई साहब बुला रहे हैं। Tell me, sir. Hey. Height problem, sir. पहले कैसे भौंका था? अब ऐसे ही भागते हुए इसे यहाँ से लेकर जा। Excuse me, भाई, आपने मेरी जान बख्श दी। चलो। Enter the dragon. चंदू। ये सुबह सुबह ऑन से क्या? मामा? सपना नहीं है, हकीकत है। मुंह बंद करो, आरती लो। ए, तुम अब तक यहाँ हो? रात को मैंने जाने को कहा था ना, डैडी देखेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। आहा, मामा जी। आरती लीजिए। क्या लड़की है यार। कॉफी कैसी है मामा जी? पापा ये क्यों रे? मेरी बात सुन, मैं लड़की से बात कर रहा हूँ ना, तू क्यों बीच में डांग लगा रहा है? ऐसा ही कहते हैं ना मामा जी। तुम्हारी आवाज बहुत ऊंची है। ए, अच्छे घर की हूँ, क्या समझ रखा है? 50 किलो का सोना हूँ। ज्यादा है क्या? थोड़ा सा। ठीक है, और क्या रे, लड़की को क्या आधी रात को घर से बाहर निकाल दोगे? कैसे पाला है कृष्णा? वो कुछ भी बोले लेकिन आप मत मानिए। चंदू, तुम पर भरोसा करके घर पे आई महालक्ष्मी को मैं बाहर नहीं। पापा, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनिए। तुम उससे प्यार करते हो ना? उसने पीछे पड़ के मुझसे जिद की, इसलिए मैंने हाँ कर दिया था। झूठ झूठ, कितना झूठ। ओके ओके ओके, जल्दी शादी। जल्दी मतलब कब तक होगी? थोड़े ही समय में। करेक्ट डेट बताइए।
अगले महीने 15 तारीख को। मतलब एक महीना? It's too late. अब क्या करेंगे? अगर ये इधर रहेगी तो फिर उस बदले का क्या होगा? और मारो इसे। मारो साले को, उसी यही सजा मिलनी चाहिए। शिवाजी, मेरे बेटे के साथ शादी होने वाली लड़की को छिपा कर तू अपने आप को बड़ा मर्द समझता है? यही तुझे तेरे माँ बाप ने सिखा है क्या? बोल क्यों नहीं रहा है? ये क्या बड़ा तुर्रम खा है क्या? आने से पहले खामोश रहता है, इसके बाद सब तबाह होता है। इसको क्या पूछना है? उन्हीं से पूछ लो। ए शिवाजी, तुझे जीना है कि नहीं? मेरे होने वाली बहू को मेरे हवाले कर। बेटा महालक्ष्मी। मामा जी। अब आ गई ना सामने। पीने का पानी लेकर आओ। ओके। देख लिया नजारा? मामा जी, तुझे पानी ला के दिया तो तू समझता है तेरी इज्जत करती है? पी ले, तेरे हलक से मैं पानी निकाल दूंगी। ए, ए, जाओ रे, लड़की को उठा लाओ, जो होगा देखा जाएगा। चंदू, अरे अरे जान बचा लो भाई, वरना पीटोगे फोकट में। ए, ये लोग उल्टे पैर क्यों आ रहे हैं? आगे बढ़े तो जिन दो पांव पे चल रहे हो एक भी नहीं बचेगा। लॉयर। हाँ सर। अगर लड़की अपनी इच्छा से जाएगी तो इसे यहाँ से ले जाना। ए, सुन महालक्ष्मी, तेरे भी पर निकल आए क्या? मेरे बेटे से शादी का वादा और यहाँ आके ऐश कर रही है? चला। अब तो तूफान आने वाला है। नहीं महालक्ष्मी, मैंने तुम्हें जो कहा है उस पर अटल रहो। बहुत ऐश हो गई, जाऊ तो तुझे छू करके दुनिया से उड़ा दूंगी। महालक्ष्मी से मार लगा। मारो भाई। अरे उसका नाम लेते ही इन्हें इस तरह के दौरे पड़ते रहेंगे। क्या कह रहे हो? महालक्ष्मी ने मारा? अरे उसका नाम मत लो भाई। हेलो, मैं डॉक्टर झुंझुनवाला। आइए डॉक्टर, पेशेंट को देखिए, बाद में मिल जाए। बाद में आता हूँ। सर, आप एक डॉक्टर होकर लॉजिकल बात करते हो? मेरे 4 पेशेंटों का केस है, फ्री में देखोगे क्या? वो लेना तो मेरा फर्ज है। मैं वैसा ही हूँ, दर्द मिटाने के लिए मलहम लगाना जरूरी है। पैसे लाओ। लो। डॉक्टर, ये कौन है? ये ना रहे हैं। के पास रिटर्न टिकट है क्या? पेशेंट का ट्राई करें। ये कौन है? इसका ऊपर का कपड़ा कहाँ गया? ये काउबॉय का लड़का लावारिस घूम रहा था, हमारी मालकिन ने गोद लिया था। ये पैदाइशी ऐसा है। डॉक्टर, आप किसी तरह मेरी बहन को बचा लो। डॉक्टर, किसी भी तरह मेरी माँ को बचा लीजिए। मुझे बचाना क्या? तेरी बहन को या इसकी माँ को? ये दोनों एक ही तड़पती आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे बताओ इनको हुआ क्या है? इन्हें एक लड़की ने थप्पड़ मारा है। वो कौन है मतलब? इनका इलाज करने के लिए मेरे पास 3 तरह की दवाएं हैं। हाँ तो बताइए। हाँ वही बता रहा हूँ। पहली दवाई है इनको गले तक पानी में डुबा कर रखिए, ये नहीं हो सकता। दूसरा बताता हूँ। दूसरी दवाई है कि इनके कान के पास खूब जोर से आवाज कीजिए, इससे तो पूरा माहौल बिगड़ जाएगा। तीसरा ये कि इनके दुश्मन का नाम बार बार लो। हाँ ये तीसरा सही है। ओह, उसका सिम्टम क्या है बताओ? महालक्ष्मी। 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 रुक जाओ। शादी नहीं हुई ये बाराती बन गई। कुछ खाती नहीं है, कुछ पीती भी नहीं है। हाथ पैर चलना बंद हो गए, जैसे लकवा मार गया हो। बहुत तकलीफ में है ये। एक मिनट, आई विल ट्राई। एक बार फिर से नाम पुकारो। क्यों, आ गया ना मजा? मेरी अंगूठी कहाँ गई? मैं फिर से ट्राई करूँ। अंगूठी लेना, फिर से बुलाओ। अंगूठी मिल गई क्या? तो मेरी घड़ी भी गायब हो गई। मैं समझ गया, अब इसको क्या किया जाए। जैसे कांटे को कांटा निकालता है, शौक देने से शौक ठीक होता है। उस लड़की ने इसे थप्पड़ मारा था, सेम टू सेम तुम लोग भी थप्पड़ मारो। लेकिन मार खा के कुछ और हो गया तो क्या होगा? अरे रुक जा छोटे, ऐसे नहीं मारा जाता, ऐसे मारा जाता है, ऐसे मारा जाता है, ऐसे। डॉक्टर, ये ठीक है ना? अरे जब तक भोजन की जरूरत महसूस ना हो तुम लोग इसे पीटते रहो। ओ, पेशेंट को भोजन करा के मारे क्या? पेशेंट को नहीं, तुमको। हजम होने तक पीटते रहो, पिटाई बंद नहीं होनी चाहिए। कहीं वो मर गई तो डॉक्टर शमशान लेके जाना। क्या सुबह? तुम्हें बाहर बुलाया जाओ। हाँ साहब।
ए, ये तुम जो करियो ना मुझे समझ में आ रहा है। आटा गूंद रही हूँ, दिख नहीं रहा है चंदू। तेरी तो मेरे सामने मजाक मत करना समझी, पापा के सामने बहुत ओवर स्मार्ट बन रही हो क्या? सॉरी चंदू। ओके। तुम्हारे परिवार की सेवा करके हाथ दुख रहा है। हाथ दुख रहा है तुम्हारा, दिखाओ। जरा मदद कर दोगे? चलो। पापा के सामने तुम इस तरह से बेहोश क्यों करती हो? चुपचाप रहो ना, तो तुम मुझे अच्छी लगोगी। गुड गर्ल। मैं? तुम जितना समझ रहे हो उतनी अच्छी नहीं हूँ। जरा पकड़ो। ये तुम साबुन के ऐड कर रही हो क्या? क्यों लगा रही हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? नहीं समझे। तुम क्या कर रही हो? मामा जी। क्या हुआ बेटा? देखिए ना मामा जी, किचन में अगर काम नहीं करने दे रहा है, खाना मत बनाओ, रोमांस करते रहो, यहाँ वहाँ पूरे बदन पे मेरे आटा लगा दिया। नहीं 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 पापा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मेरी गलती नहीं है। अरे बाप रे। चंदू, तुमने ऐसा करके बहुत गलत किया, तुम्हारे हाथों में सबूत भी है। भाई साहब, अगले हफ्ते का मुहूर्त निकलवाइए। ठीक है भाई साहब। वन वीक टू लेट। मामा, अब तुम महालक्ष्मी। मैं महालक्ष्मी हूँ? मैं क्या तुझे औरत जैसा दिखता हूँ? महालक्ष्मी जैसी एक्ट करो। एक्टिंग करने के लिए मुझे क्या करना है? रेप करूंगा। रेप करेगा? ये मैं जिंदगी भर से ब्रह्मचारी की जिंदगी गुजारती आ रहा हूँ और तुम्हें मारना पड़ेगा? जस्ट एक्ट करो। हाँ तो ठीक है, मैं एक्टिंग करता हूँ। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मामा, मैंने तो अब तक कुछ नहीं किया। क्यों बे, तू ऐसा कह रहा है? तूने कहा था रेप होने का, एक्टिंग करना है, छोड़ दो। एक काम कर, तू पिताजी से कह के जल्दी शादी कर ले। पापा से बोलो, उसने थोड़ा सा आवाज दिया, मामा जी मामा जी। तो मामा जी ने आकर शादी की तारीख दे दी और तुमने वहाँ पे फोन कर दिया पंडित को, मैं क्या करूँ अभी? अरे तू इतना फिक्र क्यों कर रहा है? वो मेरे सामने तो आए। उसके पीछे खड़ी है, उसके पास जा, जा, जा जल्दी जा। लक्ष्मी चंद चिनाचे। महालक्ष्मी, ये बात मेरे पापा को मत बताना प्लीज। मेरी सोनी, मेरी प्यारी, मेरी अच्छी महालक्ष्मी, नहीं बताओगी ना? नहीं बताओगी ना? मेरी मेरी महालक्ष्मी प्लीज। मामा जी। ओ, मर गया रे। ए, कोई आवाज नहीं आ रही, तुम लोग शांत क्यों हो गए? ये कृष्ण राव के रहते किसका डर है? लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो। हाँ लगे रहो लगे रहो। ए क्या है रे? नमस्ते भाई साहब। शेर कृष्ण राव जी। फरमाइए भाई साहब। पैग लग रही है ना? क्यों तू पिया है क्या? हम कुएं का पानी पी रहे थे और कुछ नहीं, बस। वो क्या है ना भाई साहब, आजकल मलेरिया का मच्छर बहुत घूम रहा है, इसलिए मच्छर भगाने का टेस्ट कर रहे थे। ये छोटे मच्छर सब अपने आप भाग जाएंगे, अब तू भी जाकर सो जा, तुम मेरे पीछे आ जाओ। दोनों भाग रहे हैं, पकड़ो पकड़ो। रुको रुको। मामा, शॉट है तो भी रात को शॉट स्किप हुआ। इरादे पक्के हो तो रास्ता आसान है। अच्छी हवा आ रही है ना? कमजोर मत बन, तूफान आ रही है। मामा जी आइए, खाना तैयार है। अरे बेटी तुम क्यों आई हो? अपनी खेती बाड़ी देखने आई हूँ, आगे से मुझे ही तो सब कुछ देखना है ना। मामा, आज का अपना क्या प्लान है? है तो तेरी होने वाली ही ना, थोड़ा बर्दाश्त कर ले। आज क्या खाना बना रही हो? वो मामा, क्या हो गया बिटिया? डरने की बात नहीं है, शायद खाना हजम नहीं हुआ है, डॉक्टर को बुलवाइए। सुनिए तो, ये वो वाली उल्टी नहीं है मामा जी? फिर? आप दादाजी बनने वाले हैं। बच्चे से क्यों रो रहा है? तू बहुत सयाना है। अरे भाई साहब, परसों का ही अच्छा सा मुहूर्त देख लो। ठीक है भाई साहब। चंदू, खेत पे पुतले जैसे क्यों खड़ा है? जल्दी से दोनों की शादी। चलते हैं।
चलो। काम आके जा रहा है। किट्टो तुम चुप बैठो। अरे सुन, भाग के कहाँ जा रहा है? Bang 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 जानू तुझे ऐसे तेरा तू, मैं निशानी लपेट रही हूँ। तड़पाना गले लग जा तू, कमर में चुम्मा ले लूं। दूर हट जा करना तू, तक धिनता पास आ जा करने दे, तक धिनता दूर हट जा करना तू, तक धिनता पास आ जा करने दे, तक धिन धिनता। आइला रे लगी तू मस्त एटम बम 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 बम। बस मेरा ही नाम है, टकाटक जवानी पे मेरा ही काम है। ठीक सब तेरे लिए कुछ भी ना दाम है, आज आकोश में तू मस्त शाम है। देख के तुझको ये दिल मेरा बोला, लड़की नहीं तू है आग का गोला। मैंने दिल का है दरवाजा खोला, आजा भड़का दे मस्ती का शोला। पट गई तू, पट गई तू, पट गई तू, पट गई रे। पट गई मैं, पट गई मैं, पट गई मैं, पट गई रे। पट गई तू, पट गई तू, पट गई तू, पट गई रे। पट गई मैं, पट गई मैं, पट गई रे मैं। सब यहाँ कैसे आए? इसे मैंने बुलाया है। अरे शिवा खड़ा है रे। अरे उसे कोई बैठने के लिए कुर्सी दो ना। अरे देखो तो सही, वो बेचारा खड़ा है। मैं बैठने नहीं आया हूँ, तुम्हारी बेटी की शादी पर तुझे बुलाने आया हूँ। तेरी बेटी जब मेरे घर आई तब से उसे वापस क्यों नहीं भेजा है मालूम है? अपने झगड़े की वजह से बच्चों का प्यार नहीं टूटना चाहिए। पहला कार्ड तुम्हें दे रहा हूं। हम दोनों की इतनी बड़ी दुश्मनी के बावजूद भी सब कुछ भूल कर आना, इन दोनों को आशीर्वाद देना। शिवा, तुम खुद चलकर मेरे पास आए हो इसलिए मैं कुछ नहीं बोला। दामाद जी, इस महीने की 18 तारीख को ही शादी है ना? जब
बंधु बेटा के आने के बाद इस जमीन में पहली बार फसल बो रहे हैं। आप अपने हाथों से शुभारंभ कीजिए। बाबा कम कम कम। हाँ, तुम यही रहो, नहीं तो कीचड़ में गिर जाओगे। पापा संभल कर, फिसल जाओगे।
चंदू। हाँ बेटा। पापा कैसे हैं? तू आने बेटा। पापा कैसे हैं? आना। मुझे बताओ पापा कैसे हैं? क्या बताऊं तुझे, जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। उनकी चंद सांसें ही बची हैं। वो तुझसे मिलना चाहते हैं बेटा। वो दुनिया छोड़ने से पहले तुझसे कुछ कहना चाहते हैं। उनकी अब सांसें तुमसे कुछ कहने के लिए ही अटकी है। आओ। मैं नहीं आऊंगा चंदू, तुम पागल हो गए हो। अगर मैं आऊंगा तो मेरा बाप मर जाएगा। नहीं मैं नहीं आता। डॉक्टर कुछ भी करो, उन्हें बचाओ प्लीज। डॉक्टर अब वक्त नहीं है बेटा, वक्त नहीं है। अपने बेटे को देखे बगैर उनकी आंखें बंद नहीं होगी। तेरे पिताजी तुझसे मिले बगैर नहीं दम तोड़ते। तू यही चाहता है क्या? बोल चल ना, चल। सीएम और होम मिनिस्टर के ऑफिस से ऑर्डर है आपके पिताजी की मौत की स्पेशल इंक्वायरी करने का। आपको किसी पर शक है क्या? मुझे किसी पर भी शक नहीं है। आप जा सकते हैं। सोच लीजिए। आप जा सकते हैं।
इसमें क्या ढूंढ रहे हो? एक बेटा होने के नाते मैंने उन्हें आग दी है। उन्हें जिसने मारा उसका सर काटना चाहता हूं। डीआईजी पर किसी को शक नहीं है कहकर क्या वो खामोश बैठेगा? कल आने वाला तूफान मुझे आज नजर आ रहा है। तुम्हारा साथ देकर आज मैं भी फंस गया हूँ। अब क्या करूँ? चप्पा चप्पा छान मारा। पता नहीं पशुपति किस बिल में घुस गया। कब तक छुपेगा? जैसे बाहर निकलेगा काट डालेंगे। बोलो सत्ती। सब जगह छान मारा, पशुपति का अभी तक कोई पता नहीं चला। कहां पर? क्या हुआ? भाई 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 मुझे बचा लो भाई। क्या हुआ सत्य? ए क्या रे, ऐसे पागलों जैसे क्या देख रहे हो? हाँ दिखता नहीं तुम लोगों को? मैंने सिर्फ साइन करने के लिए बोला था, लेकिन ये बेवकूफ लोग साइन नहीं करेंगे, मार खाएंगे। कम से कम तुम ही बोलो, चुपचाप आकर साइन कर दें। बोल ना। एक आदमी भी आखिरी दम तक साइन नहीं करेगा, समझा? किसके ऊपर तुझको इतना घमंड है रे? मुझे मेरे शिवाजी और चंदू पे अभिमान है। उस चंदू बाबू पे इतना घमंड है? एक नहीं, दस भी नहीं, पूरे 50 जन उसका कीमा कीमा बना देंगे, समझे? तू हमारे बाबूजी के बारे में ऐसी बात मत कर। मेरे चंदू साहब आएंगे। इतनी रात को खुली आंखों से सपना देख रहा है? वो आएंगे आएंगे आएंगे। सबसे पहले इस बुड्ढे से साइन कराओ। अच्छी तरह से करेगा तो ठीक है, नहीं तो उसे इतना मारो कि उसको देखकर इन सब के होश ठिकाने पर आ जाएं, और ये सब अपने आप आगे आकर खुद ब खुद साइन कर दें, समझ गए? चलो। क्या इरादा है? आएंगे रे आए। आएंगे रे आएंगे आएंगे आएंगे। अंगूठा लगा। तूफान का रुख आपकी तरफ मुड़ चुका है, जान बचा लो अपनी। ए, 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 रोको इसे! उस दिन तो तू बच के निकल गया, लेकिन अगर आज एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो मारा जाएगा, मारा जाएगा। साहब जी, आपने कभी अपने कफन का इंतजाम किया है? मेरी मां आप भी अब आप आओगे मैं जानता था। पशुपति, तुम्हारी मां सामने खड़ी है। मेरा पापा मरा नहीं, वो तुम लोगों की मौत देखने के लिए
अपनी आखिरी सांस को रोककर वहां पर कोने में बैठा इंतजार कर रहा है। क्या रे, 10 जनों को मारकर 4 जनों को अपने साथ लाकर बड़ा हीरो बन रहा है क्या है? प्रजा का दुख देखने वाला हर आदमी हीरो ही होता है। ए, बहुत ज्यादा बोल रहा है। ए, तेरे माँ को मैंने मारा, तेरे बाप को मैंने मारा, अब 5 मिनट में तेरी बोटी बोटी करके मेरे भाई के बनने वाले फैक्ट्री के नीचे गाड़ दूंगा, बलि चढ़ा दूंगा। नहीं, मैं मरने नहीं आया हूँ, बल्कि मारने आया हूँ। छोड़ूंगा नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अभी इसी समय तुम सब लोगों की बलि मैं इस मिट्टी में चढ़ाऊंगा। अगर मैं अपने माँ बाप का असली बेटा हूँ तो मुझे उनके खून की कसम है, एक एक को काट कर उनके खून की नदियां बहाकर मैं इसी मिट्टी में काट दूंगा। ए, मार डालो इसको। थे मेरे शेर है ना फौलत, कहां गए? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। इतने दिन अपने मन में छुपाई हुई आग को बाहर लाओ और इसके ऊपर बरसाओ।